हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विकास, विकास एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं घर पर पड़ी हुई फालतू कील से सोल्डरिंग मशीन बनाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ले ली है ये कील और हमें आपको बाकी आइटम बताता रहूँगा, तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ। तो हमें सबसे पहले इस कील को ले लेना है और इसके आगे वाले शाफ को हमें बिल्कुल सोल्डरिंग मशीन की तरह कर देना है, घिस घिस कर। आपको इसे इतना घिसना है कि इसका सिर फूट जाए। तो हमने इसके ऊपर वाले शाफ को बिल्कुल सोल्डरिंग मशीन की तरह घिस दिया है, तो आपको भी इसे इसी तरह से घिस देना है। उसके बाद चाहिए होगी हमें ये कॉपर वायर, तो आप इसे शॉप पे से आराम से खरीद लीजिए इलेक्ट्रॉनिक किट से। और हमें चाहिए होगी ये वायर के लगाने वाली नलची, तो आपको ये भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर 5 रुपये की आराम से मिल जाएगी। उसके बाद हमें ये 2 लकड़ियों के टुकड़े ले लेने हैं। तो हम सबसे पहले इस कील को ले लेते हैं और उसके बाद हमें इस नलची को लेना है और इसमें से हमें थोड़ा सा टुकड़ा काट लेना है। तो मैं आपको जितना बताऊं उतना आपको टुकड़ा काट लेना है। तो देख सकते हैं आपको भी इसी तरह से इतना छोटा सा टुकड़ा काट लेना है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। और आपको इसके बाद इसमें को बीच में से काट लेना है, तो मैं इसे बीच में से काट लेता हूँ। और उसके बाद आपको इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। तो हमें सबसे पहले इस कील को ले लेना है और इसके ऊपर इसे चिपका देना है पीवी ट्यूब की सहायता से। तो मैं इसके ऊपर सबसे पहले पीवी ट्यूब को लगा देता हूँ और उसके बाद आपको इस वायर के इस नलची को टेढ़ा लगाना है थोड़ा। तो मैं इसे थोड़ा टेढ़ा लगा देता हूँ ताकि मैं इसको इस पर लपेट सकूँ। तो हमें थोड़ी और पीवी ट्यूब लगानी है इसके ऊपर ताकि ये बार बार निकले नहीं और हमारा काम रहे। तो मैंने इसे चिपका लिया है और मैं इसको इस पर लपेट दूंगा कील पर बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको भी इसी तरीके से इस कील को कील पर इसे नलची को लपेट देना है और मैं इसके बाद वाले हिस्से पर इस पीवी क्यूब को चिपका देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से चिपका दिया है और मैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से पीवी ट्यूब को लगा देता हूं। उसके बाद हमें थोड़ी और इसमें से इस नलची को कट कर लेना है। आपको इसे एक बार में नहीं लगाना है वरना ये बहुत ही अच्छे तरीके से लपेटेगी नहीं। आपको इसे 2 हिस्सों में कट करके ही लपेटना है। तो मैं इस पर फिर से पीवी ट्यूब को लगा देता हूँ और इसे चिपका लेता हूँ पहले की तरह गोल गोल। और अब हमें इसे फिर से गोल गोल को घुमा देना है। आपको भी मेरी तरह इसी तरह ये करना है वरना आपकी सोल्डरिंग मशीन नहीं बन पाएगी। अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो आपकी सोल्डरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मैं इसके बाद वाले हिस्से पर फिर से पीवी ट्यूब को बहुत ही अच्छी तरीके से लगा देता हूँ। उसके बाद हमें इस कॉपर वायर को ले लेना है और इसके एक मुंह को हमें निकाल लेना है।
तो देख सकते हैं मैंने इसके मुंह को इस पर लपेट लेना है, तो मैं इसे इसको पर बहुत ही अच्छी तरीके से लपेट देता हूँ और उसके बाद आपको इसे इस वायर को मेरी तरह बहुत ही अच्छी तरीके से लपेट देना है। मैं इस वायर को कील पर बहुत ही अच्छी तरीके से लपेट रहा हूँ और हमें इस कॉपर वायर के दूसरे वायर के मुंह को कहीं पर भी कील पर टच नहीं होने देना है। हमें इस वायर वाली नल चिप के ऊपर ही रहने देना है और मैं इसको फ्यूज क्यूब से चिपका देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसके दूसरे मुंह को फ्यूज क्यूब से चिपका दिया है। इसके बाद हमें इस एमसील को ले लेना है और हम इसे बाहर निकाल लेते हैं एमसील को और हम इसमें से थोड़ी थोड़ी को मिक्स कर लेते हैं दोनों को। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लपेट लेता हूँ दोनों में से। तो मैं इसमें से थोड़ी थोड़ी को निकाल लेता हूँ और इन्हें मिक्स कर देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे एमसील को इसके ऊपर लगा देंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपको इस कॉपर वायर को पूरी तरह से ढकना है, इस तरह से आपको इसे एमसील को लगाना है बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको इस कॉपर वायर के दूसरे वाले मुंह को कहीं पर भी कील पर टच नहीं होने देना है, इस बात का पूरा ध्यान रखिए। तो देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर एमसील को लगा लिया है और अब मैं इसे 1.5 से 2 घंटे तक सूखने के लिए रख दूंगा। आपको इसे 1.5 से 2 घंटे तक सुखाना है, उसके बाद ही यूज ले। तो मैं इसे 1.5 से 2 घंटे तक सुखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसे 1.5 से 2 घंटे तक सुखा लिया है और अब हम इस पर वायर लगाएंगे। तो चलिए हम इस पर वायर लगा देते हैं। हमें इसमें थोड़ा मोटा वाला वायर लेना है ताकि ये बार बार जले नहीं, तो मैं इसमें थोड़ा मोटा वाला वायर ले लेता हूँ। तो हमें इन कॉपर वायर के दोनों मुंह पर एक एक वायर को लगा देना है। तो देख सकते हैं मैंने इस कॉपर वायर के दोनों मुंह पर एक एक वायर को लगा दिया है और मैं इस कॉपर वायर के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दूंगा। और उसके बाद हमें इन दोनों लकड़ी के पीस को लेना है और हमें इस लकड़ी के पीस पर इसे इस तरह से लगा देना है। तो हम इसके लिए सबसे पहले इस वायर वाली नलची को ले लेते हैं और इसे इस वायर के हिसाब से कट कर लेंगे ताकि ये पूरी तरह से कवर हो सके और ये पिघले नहीं। और उसके बाद हम इस पर टेपिंग कर देंगे। तो हम इस पर टेपिंग करने से पहले इस कील को चिपका लेते हैं इस लकड़ी पर। मैं इसे पील क्यूब की सहायता से चिपका लेता हूँ, आप भी इसे पील क्यूब की सहायता से चिपकाइएगा।
इस पर ग्लूगन न लगाए क्योंकि इस पर ग्लूगन पिघल जाएगी। और उसके बाद में इस पर थोड़ी मिट्टी डाल के इसी बहुत कठोर कर लेता हूँ। और अब हम इस दूसरी लकड़ी को भी इसके ऊपर लगा देते हैं और इसे कवर कर लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और हम इस पर वायर को लगाकर मोटे वाले को इसे बिल्कुल पैक कर देते हैं। तो अभी मैं इस वायर पर इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्यू के ऊपर लगा कर इसे एक जगह सटीक कर लेते हैं। तो मैं इस पर प्यू के ऊपर लगा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इस पर थोड़े रबड़ भी लगा दिए हैं और इसे चिपका भी दिया है। और ये हमारी टेस्टिंग के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो चलिए हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम इसके लिए ट्रांसफार्मर लेंगे, ये 1212 ट्रांसफार्मर है और हम इसमें 12 वोल्ट लेकर इसका टेस्टिंग करेंगे। आप इसे 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं इस सोल्डरिंग मशीन को। तो हमने इस ट्रांसफार्मर को चला लिया है और अब हम इसके वायर को छीलकर इसके ऊपर ट्रांसफार्मर पर लगा देते हैं। इसमें माइनस प्लस की कोई झंझट नहीं है, आप कोई से भी वायर को कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा गर्म होना स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारी बहुत ही जल्दी गर्म होकर काम करना शुरू कर देती है। हम इसे थोड़ी देर गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं इसमें से थोड़ा धुआं निकलेगा फर्स्ट बार में क्योंकि ये एमसील जलेगी इसमें से और उसके बाद में ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगी। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है और अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो हम इस पर थोड़ा वायर पिघला कर देखते हैं। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा सोल्डरिंग वायर पिघला रही है और ये केल पर बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक चुकी है। तो ये सोल्डरिंग मशीन हमारी सोल्डरिंग वायर को बहुत ही अच्छी तरीके से पिघला रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि मैं इसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ।